तो हम लोग करेंगे इरडो का 1.17। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे फिगर 1.2, वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। It is known that the car moves in the field n times slower than on the highway. At what distance from the point D, one must turn off the highway. तो ये हाईवे है, देखिए ये है हाईवे और कार आ रही है ऐसे। ये एक पॉइंट बी है हाईवे, हाईवे के बगल में क्या है, घास का मैदान है और घास के मैदान में, ठीक है ना, या फील्ड है, कोई खेत है, इस तरह की चीज है। तो हाईवे से एल की दूरी पर एक पॉइंट बी है और कार को हाईवे छोड़कर पॉइंट बी पर पहुंचना है। तो कार जो ऐसे आ रही है उसको किसी जगह पर हाईवे छोड़ देना है और पॉइंट बी पे जाना है। अब वो ऐसे जाकर भी आ सकती है, तो वो ऐसे जाकर भी आ सकती है, तो वो ऐसे आगे जाकर भी आ सकती है, ऐसे और आगे जाकर भी आ सकती है, वो डायरेक्टली ए से बी पे जा सकती है। तो ये कार के पास ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉइंट डी दे रखा है, इतने कुछ दूरी पर ये कार हाईवे को छोड़ देती है और पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टली चलने लगती है। तो ये ही पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे टू रीच द पॉइंट बी एज सून एज पॉसिबल। यानी कि टाइम हमें मिनिमम करना है, हमें इसमें क्या करना है, टाइम को मिनिमम करना है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम क्लियर है। ऑल राइट, इरडो का 1.17, ये रहा हाईवे। ये हाईवे है और कार इसी पॉइंट ए से आ रही थी। ये पॉइंट डी है और कार को पहुंचना कहां पर है, कार को पहुंचना है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी की हाईवे से जो दूरी है वो एल है। अब कार किसी पॉइंट सी पर हाईवे को छोड़ देगी, तो कार पॉइंट डी से x की दूरी पर इस हाईवे को छोड़ देगी और उसके बाद कार का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा। उसके बाद कार इस पाथ पे चलते हुए पॉइंट बी तक पहुंचेगी। अब ये बात जरूर है कि अगर हाईवे पे कार की वेलोसिटी v है तो ये जो फील्ड है, फील्ड पे कार की वेलोसिटी n टाइम्स कम है, ठीक है ना। अब हमें x की वैल्यू पता लगानी है जितने की पॉइंट बी तक पहुंचने का टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब मान लेते हैं ए से लेकर बी तक की जो ये वाली दूरी है ये कैपिटल एच है, कैपिटल एच विल बी सम कांस्टेंट। तो एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एच माइनस है, जबकि बीसी का वैल्यू हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए ए से सी तक जाने में
टाइम लगा T1, तो ध्यान देने की बात है कि स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, तो वी विल बी इक्वल टू एच माइनस एक्स अपॉन T1, देयरफॉर T1 टाइम विल बी एच माइनस एक्स बाई वी। T1 टाइम कितना होगा? एच माइनस एक्स बाई वी। इसी तरह से टी तक, टी से बी तक जाने में टाइम है T2, तो जो फील्ड पे इसकी वेलोसिटी है वी बाई एन, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T2 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। तो ये T2 आ गया और T1 भी आ गया, तो जर्नी का जो टोटल टाइम है T1 प्लस T2, इट इज एच माइनस एक्स बाई वी प्लस एन बाई वी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जर्नी का टोटल टाइम। तो टाइम कितना है? एच माइनस एक्स बाई वी प्लस एन बाई वी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब dt बाई डी एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच बाई वी माइनस वन बाई वी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एन बाई वी डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस वन बाई वी प्लस एन बाई वी, और स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बाई चेन रूल किया जाएगा। और जब चेन रूल से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं डायरेक्टली जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख रहा हूँ, दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x। ये क्लियर है? ऑल राइट। अब देखिए dt बाई डी एक्स को अगर हम 0 पुट कर दें, अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो आपको मिलेगा 1 बाई वी इज इक्वल टू एन बाई वी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे v और v कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एन इंटू एक्स। इससे क्या होगा बच्चों, अब इसको स्क्वायरिंग कर दें आप, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन इज एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। अगर वो इतनी दूरी से हाईवे को छोड़कर फील्ड पे जाता है तो देन टाइम विल बी ए मैक्सिमा और मिनिमा, या तो टाइम मैक्सिमा होगा और मिनिमम होगा। तो फॉर
दिस वैल्यू ऑफ एक्स टी इज मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा ये हमको अभी चेक करना पड़ेगा। ऑल राइट, अब देखिए dt by dx क्या है, इट इज 1 by v माइनस 1 by v प्लस n by v इनटू x upon square root of l square plus x square, तो d square t by dx square आप करेंगे, तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो जीरो प्लस n by v t by dx of x upon square root of l square plus x square, तो ये d by dx ब्रैकेट में u by v वाली फॉर्म है, therefore d square t by dx square हो जाएगा n by v और ब्रैकेट के अंदर square root of l square plus x square into dx by dx minus x into t by dx of square root of l square plus x square divided by l square plus x square, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी। तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा एन बाई वी और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस f into, अब इसका चेन रूल से मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं डायरेक्टली, तो हाफ स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स और नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज n by v अब ध्यान से देखिएगा इसमें 2 और 2 कॉमन है कट जाएगा x और x बन जाएगा x स्क्वायर, ये बनेगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन L square plus X square whole raised to 3 by 2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बन जाएगा n by v L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल रेज टू 3 बाई 2। अब ये तो क्लियर है कि X का वैल्यू चाहे जो भी हो
d square t by dx square will be positive, यानी कि टाइम जो हमें मिला था, टाइम इज मिनिमम, टाइम क्या है, मिनिमम है, ठीक है। क्लियर, ऑल राइट। तो देखिए ये जो डिस्टेंस एक्स आपने लिया था, अगर इतनी दूरी पर कार हाईवे को छोड़ती है देन टाइम विल बी मिनिमम। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं यहां पर कि फिजिक्स में कई बार क्या होता है कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, या जो मैंने डी स्क्वायर डी बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर किया, ये जो मैंने किया, देखिए इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कई बार चेक करने का जरूरत नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है बताऊंगा आपको। देखिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे जब वो हाईवे को छोड़ती है तो टाइम या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ये तो क्लियर है कि टाइम या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइम की बात करें, मैक्सिमम टाइम की बात करें, तो ये कार अगर पॉइंट डी तक चली जाए और आगे बढ़ती चली जाए पर हाईवे को छोड़े ही ना, ये हाईवे को छोड़े ही ना, तो टाइम पॉइंट बी तक पहुंचने का क्या हो जाएगा, टाइम इंफिनाइट हो जाएगा। यानी कि पॉइंट बी तक अगर हमको ज्यादा टाइम लगा के पहुंचना है तब तो बड़े सारे तरीके हैं, हम जितना आगे डी के जाएंगे और फिर ऐसे हम वापस आएंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो क्लियर बात है कि जब डी टी बाई डी एफ को जीरो करने पर टाइम का एक ही वैल्यू आ रहा है, वो जो वैल्यू आया है वो मिनिमम टाइम के लिए ही आया होगा। तो कई बार फिजिक्स में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करके देखें ही, मतलब फिजिकली भी आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर ये कार हाईवे को ना छोड़े और पॉइंट बी से आगे चलते हुए बहुत दूर तक चली जाए तो पॉइंट बी तक पहुंचने का जो टाइम है वो जितना चाहे आप उतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्लियर है कि ये जो एक्स की दूरी आई थी जहां पर इसने पॉइंट सी पे हाईवे को छोड़ा, दिस विल बी करेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टाइम।